गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक नया एम्पलीफायर बूस्टर लाया हूँ। यह है BTZ 1000। इसका सीरियल नंबर है 10000, इसको 1000 अपन बोलते हैं। इसका पीक पावर होता है, ये BTZ 2 चैनल जोन है, दोनों बहुत 2 चैनल जोन है एंड जोन बी। स्टीरियो मोनो सिस्टम है, उसके बाद में जोन ए को ऑन ऑफ करने के लिए, जोन बी को ऑन ऑफ करने के लिए सेपरेट ऑप्शन है। स्टूडियो का भी ऑप्शन है और मोनो का भी ऑप्शन है। पीछे अपन जेग या आर सी दोनों लीडे अपन कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है मास्टर, पर चैनल में बेस और टर्बल दोनों को कनेक्ट कंट्रोल करने के लिए इसके सेपरेट वॉल्यूम है। उसके बाद में अपन स्पीकर पे चला रहे तो स्पीकर पे चलाने के लिए स्पीकर का अलग ऑप्शन, यूनिट पे यूनिट का अलग ऑप्शन। यूनिट पे चलाने पर बेस कट जाता है जिससे कि यूनिट जलने की संभावना कम रहती है। ये BTZ 1000 मॉडल है, बहुत ही अच्छा मॉडल है। एक चैनल के ऊपर अपन हजार हजार वाट के दो बेस चला सकते हैं 18 इंची, और इस जोन पे भी अपन हजार हजार वाट के बेस चला सकते हैं 18 इंची। मतलब टोटल ये पूरा एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर वर्क कर रहा है एज दो ड्यूल बेस चलाने के लिए। हजार हजार वाट के दो ड्यूल बेस, मतलब एक चैनल पे आप एक ड्यूल बेस सकते हो, दूसरे चैनल पे आप दूसरा ड्यूल बेस बेच सकते हो और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हर जोन के लिए अगर ओवरलोड हो जाता है तो उसके लिए अलग अलग सेपरेट इसमें फंक्शन है कि जिससे आगे पार्ट्स नहीं चलेंगे। ट्रिपल लगा हुआ है, उसके साथ ही इसका मेन ये स्विच कंट्रोलेबल है। इसको बहुत ही हेवी बना हुआ है, कम से कम इसका जो वेट है वो 38 या 40 किलो के लमसम होता है, और दोनों को उठाने के लिए भी सेपरेट ऑप्शन है। पेक डीजे के लिए बहुत ही बेटर है। इसमें सारे मोस्फेट ट्रांजिस्टर वाला सिस्टम है, बहुत ही शानदार ऑप्शन है। अब मैं पीछे की जो वायरिंग है, कनेक्टिंग वायरिंग है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये अपने मोनो इनपुट हो गया, मोनो इनपुट जेक से भी दे सकते हैं और आरसी से भी दे सकते हैं। इसमें से दोनों में किसी में भी अपन कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने पर दोनों जोन ओनली फॉर एक इनपुट दो और बोथ जोन दोनों जोन में आप ऑडियो मिलेगा। उसके बाद है लाइन इन, ए और बी चैनल के सेपरेट है, और लाइन आउट इससे लेकर आउटपुट लेकर दूसरी मशीन में कनेक्ट करने के लिए अलग ऑप्शन है। यह जो बूस्टर है ये DC 36 वोल्ट बैटरी पे ऑपरेट होता है। उसके साथ ही इसमें यूनिट को चलाने के लिए अलग ऑप्शन है। ये जो रेड वाली प्लेट दिख रही है, कॉमन माइनस पे यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद में पॉजिटिव जो होता है 70 वोल्ट या 100 वोल्ट पर। उसके बाद बात करते हैं अपन जो बेस कनेक्ट करते हैं, कॉमन पे माइनस वाला लगता है और एक 4 ओम है और एक 8 ओम है। सीरीज पिलर अपन किस प्रकार में कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए दोनों 4 ओम और 8 ओम का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके साथ ही दोनों प्लेट के लिए अलग अलग कनेक्टिंग डिवाइस है, मेड इन इंडिया है ये अपनी। उसके बाद में इसके 20 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर पे फ्यूज लगता है, और इसमें सारे जो अपन बोलते हैं रेक्टिफायर, उसमें डबल रेक्टिफायर की जगह इसमें ट्रिपल रेक्टिफायर लगा रखे हैं जैसे कि आपकी मशीन जलने से बचती है। ऊपर से देख सकते हो आप।